नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं नाम ऋषि, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार आंगनबाड़ी की नई योजना के बारे में। दोस्तों, बिहार आंगनबाड़ी की तरफ से एक नई योजना यहाँ पे आप लोगों का लागू की गई है, किशोरी बालिका योजना। इस योजना के अंतर्गत जो सभी को यहाँ पे लाभ दिया जाएगा, और इस योजना में फिलहाल जो आप लोग यहाँ पे आवेदन लिया जा रहा है वो जो है सिर्फ 13 जिलों का यहाँ पे लिया जा रहा है। यानी कि यह योजना जो है अभी फिलहाल यहाँ पे 13 जिलों में लागू किया गया है, और हो सकता है कि धीरे धीरे करके जो है सभी जिलों में आप लोग का लागू कर दिया जाए। तो आज के इस वीडियो को हम जानकारी देने वाले हैं कि यह योजना है क्या, किस तरीके से आप लोग यहाँ पे आवेदन करना होगा, किनको किनको जो है इस योजना के अंतर्गत लाभ मिलेगा, साथ में किस किस जिले में आप लोग का लाभ मिलेगा, वो भी मैं आप लोग को यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो ये जो है बहुत ही अच्छी योजना यहाँ पे रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो आप लोग का पोषण भत्ता होता है वो सब आप लोग को यहाँ पे मिलने वाला है। इस तरीके से ये योजना चलने वाला है, सब कुछ मैं आप लोग को यहाँ पे जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, जितना उसको शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपना आज के वीडियो। तो जैसा कि आप देख पाओ दोस्तों, मेरे पास जो यहाँ पे एक ऑफिशियल नोटिस पड़ा हुआ है, जो कि आज ही आप लोग यहाँ पे जारी किया गया। ये जो नोटिस आप लोग पे जारी किया गया वो समेकित बाल विकास सेवाएं यानी कि ICDS की तरफ से आप लोगों का जारी किया गया है। यहां पे आप लोगों को बता दूं कि मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत 14 से 18 वर्ष आयु की सभी किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर को सुधार लाने हेतु राज्य के 13 आकांक्षी जिलों में सभी परियोजनाओं के सभी आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से किशोरी बालिका योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। यानी दोस्तों, यहाँ पे क्या है, फिलहाल जो है 13 जिलों में आप लोग यहाँ पे लाभ मिलने वाला है, और 14 से लेकर 18 वर्ष के जो आयु के यहाँ पे लड़कियां होंगी उनको जो यहाँ पे लाभ मिलने वाला है। यहाँ पे दोस्तों इस योजना का नाम रखा गया है किशोरी बालिका योजना। अब इस योजना में किन किन जिलों का लाभ मिलेगा, जो लिस्ट है वो आप लोग यहाँ पे दिया गया है, सभी जिले का जो नाम है वो आप लोग यहाँ पे बताया गया है, साथ में जो आवेदन प्रक्रिया है वो भी आप लोग यहाँ पे बताया गया है। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोग यहाँ पे बताता हूँ कि इसमें जो लाभ क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे आप लोग बता सकते हो कि इस योजना अंतर्गत लाभुकों को 14 से 18 वर्ष की सभी किशोरी बालिका को पोषण एवं गैर पोषण मद अंतर्गत निम्न सेवा प्रदान की जाती है। यानी दोस्तों, यहाँ पे क्या है, पोषण के लिए आप लोग यहाँ पे जो पोषक आहार होता है वो आप लोग यहाँ पे दिया जाएगा, साथ में जो है गैर पोषक मद के अंतर्गत जो है आप लोग को यहाँ पे पैसा दिया जाएगा, और भी अलग अलग जो लाभ है वो आप लोग यहाँ पे मिलने वाला है। पोषण मद में क्या आप लोग को मिलेगा, तो वो आप लोग यहाँ पे बताया गया है कि सभी किशोरियों को THR यानी कि टेक होम राशन के रूप में पूरा पोषक माह 25 दिनों के लिए प्रदान किया जाएगा। यानी दोस्तों, यहाँ पे क्या है, इसमें जो है आप लोग को राशन दिया जाएगा जो कि आपके घर तक यहाँ पे पहुंचाया जाएगा, फिर आपको घर ले जाने के लिए यहाँ पे दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो है आप लोग का पोषक आहार जो है वो आप लोग को महीने में 25 दिन यहाँ पे प्रदान किया जाएगा। उसके बाद गैर पोषक मद में जो है आप लोग का बहुत सारा यहाँ पे जो लाभ है वो आप लोग को मिलने वाला है, जैसे कि यहाँ पे कौशल प्रशिक्षण आप लोग का दिया जाएगा, और भी यहाँ पे अलग अलग जो है बहुत सारा यहाँ पे जो लाभ है वो आप लोग यहाँ पे मिलने वाला है। तो आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं, साथ में यहाँ पे जो आप लोग का जिला का नाम दिया गया, जैसा कि आप लोग को यहाँ पे बताया गया कि सिर्फ 13 जिले में जो है आप लोग को इसका लाभ मिलने वाला है। तो यहाँ पे जो है आप लोग को बताया गया कि राज्य के 13 आकांक्षी जिलों की सूची, तो यहाँ पे सबसे पहले है दोस्तों अररिया, यानी कि सबसे पहले अररिया में आप लोग का लागू किया गया है, फिर आप लोग का औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, गया, जमुई, नवादा, कटिहार, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, शेखपुरा और सीतामढ़ी। यानी कि अगर आप जो है अभी फिलहाल इन 13 जिलों से आते हैं तो आप जो है इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई भी लड़की है जो 14 से 18 वर्ष के बीच में है, तो उनका जो है आप यहाँ पे आवेदन करवा सकते हैं। उसको दोस्तों यहाँ पे आवेदन किस तरीके से होगा वो भी आप लोग यहाँ पे बताया गया। तो यहाँ पे आप लोग को बताया दोस्तों कि इन सेवाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन पर किशोरियों का पंजीकरण एवं पंजीकृत किशोरियों का आधार सत्यापन दिनांक 15/2/2023 तक कराना आवश्यक है। यानी दोस्तों, यहाँ पे जो आप लोग का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जो आप लोग का आवेदन हो रहा है वो जो है पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन के माध्यम से हो रहा है, जो कि आप लोग के जो आंगनबाड़ी की सेविका होती है उनके माध्यम से आप लोग यहाँ पे किया जाता है। तो आपको करना क्या है, आपके आसपास में जो भी यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र है वहां पे आप लोग को चले जाना है, अपने आधार कार्ड के साथ वहां पे आप लोग को जाना है, और 15/2 यानी कि 15 फरवरी से पहले पहले आप लोग को जाकर वहां पे जो अपना पंजीकरण है यानी कि रजिस्ट्रेशन है वो आप लोग को करवा लेना, और आधार सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन आप लोग वहां पे करवा लेना है। तो उसके बाद जो है आप लोग का लाभ वो आप लोग वहां पे मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग को बता सकते हो कि आधार सत्यापन के उपरांत ही पूरक पोषाहार एवं गैर पोषण सेवाओं का लाभ दिया जाएगा। यानी जब तक आप यहाँ पे जो है आधार वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं तब तक यहाँ पे आप लोग को लाभ नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे आप लोग को बता सकते हो कि आए पोषण ट्रैकर ऐप के सभी लाभार्थी अपना पंजीकरण एवं आधार सत्यापन करवाएं। तो इस तरीके से यहाँ पे जानकारी दिया गया है। अगर आप इन 13 जिले में से किसी भी जिले से आते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि अभी जो है आपके लिए एक नई योजना पे लागू की गई है, किशोरी बालिका योजना, और इस योजना के अंतर्गत जो आप लोग का आवेदन है उसको भी शुरू कर दिया गया है। अगर आपको जो इसके बारे में और डिटेल में जानना है और डिटेल में पढ़ना है तो मैंने जो पोस्ट लिख रखा है आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपको कॉमेंट में लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप जो है उसको और भी अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए लाइक वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए धन्यवाद।